डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा के सिविल विभाग में लेक्चरर हूँ मैं। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, सब्जेक्ट कोड CE 201, ME और MA 201। उसका एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, धरनों में ढाल एवं विक्षेप। तो हम शुरू करते हैं। जब भी कोई भारित बीम है जिस पर एक्सटर्नल लोड लगे हुए हैं, धरन है, तो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उस भार के कारण डिफ्लेक्टेड हो जाती है, उसका विरूपण हो जाता है, अर्थात धरन में झुकाव आ जाता है। धरन के इस झुकाव का जो शेप है वो वृत्ताकार पैराबोलिक हो सकता है। इस शेप को धरन का डिफ्लेक्शन कर्व कहते हैं। जब भी हम बीम का या धरनों का अभिकल्पन करते हैं तो धरनों में उत्पन्न प्रतिबल, सीधे प्रतिबल, प्रत्यक्ष प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, बंकन प्रतिबल या बंकन आघूर्ण, इनको हम ज्ञात करते हैं और इस आधार पर जो डिजाइन किया जाता है उसको स्ट्रेंथ मेथड कहते हैं, सामर्थ्य विधि। साथ ही यदि धरनों में ढाल और विक्षेप का मान भी ज्ञात किया जाता हो और उस आधार पर डिजाइन किया जाता है तो इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि धरनों में विक्षेप या ढाल अनुमत सीमा में रहे। तो इस प्रकार की डिजाइन को स्टिफनेस मेथड कहते हैं। इसको IS कोड में लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत लिया गया है। विक्षेप से क्या होता है? विक्षेप से धरनों में या ट्रस में या फ्रेम में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के मान भी निकाले जा सकते। अब हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन और स्लोप की परिभाषा क्या है। स्लोप क्या है? स्लोप अर्थात ढाल। ये आप देख रहे हैं कि कोई एक कैंटिलीवर है, इसका जब यह भारित नहीं था तो इसका अनुदैर्ध्य अक्ष सीधा था, सेंटर लाइन ऑफ बीम एक क्षैतिज रेखा थी। भार आने पर उसका एक डिफ्लेक्टेड कर्व शेप बना हुआ है। तो किसी भी बिंदु पर ढाल उस कोण का मान होता है जो कि उस बिंदु पर टेंजेंट खींची जाए और उस टेंजेंट का उस ओरिजिनल एक्सिस के साथ जो कोण है उसे ढाल कहते हैं। ढाल क्या है? द स्लोप एट एनी पॉइंट इज द एंगल विच द टेंजेंट एट दैट पॉइंट मेक विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। इसको dy/dx या थीटा से भी हम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से डिफ्लेक्शन क्या है? विक्षेप क्या है? द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द बीम इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट दैट पॉइंट। डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? विक्षेप है द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द बीम इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट दैट पॉइंट। विद्यार्थियों, बीम में जब एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं उन फोर्सेस के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ है, जिस पॉइंट पर हम मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट के ओरिजिनल सेंटर लाइन और अभी वो पॉइंट जहां डिफ्लेक्ट होकर नई पोजीशन में पहुंच गया, उनके बीच की दूरी को डिफ्लेक्शन कहते हैं। स्लोप और डिफ्लेक्शन प्राप्त करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से मुख्य हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकाले मेथड और एरिया मोमेंट मेथड। ये तीनों मेथड BTR के सिलेबस के अनुसार थर्ड ईयर में, सिविल में थर्ड ईयर में आएंगे। तो अभी सीधे सूत्रों को, सीधे सूत्रों का प्रयोग ही हमारे सिलेबस के स्कोप में है। और इन स्लोप और डिफ्लेक्शन का प्रयोग कहाँ होता है? स्लोप और डिफ्लेक्शन से SFD BMD निकालने में काम में आता है। धरनों में विक्षेप हमारे सिलेबस में दो ही प्रकार के बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम और प्रास धरन कैंटिलीवर। किसी हम बीम में देखें किसी भी एक्सटर्नल लोडिंग के कारण उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आता है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम इस प्रकार के होते हैं, उनका ऐसा मान है ग्राफ में अंकित करें तो। लेकिन एक लोडिंग के कारण
स्लोप और डिफ्लेक्शन हम अगर देखना चाहते हैं, स्लोप का मान इस तरह से जो डिफ्लेक्टेड शेप हमें प्राप्त हुआ है बीम का, उस में ए पॉइंट पर तथा बी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा गया है, उन टेंजेंट का ओरिजिनल एक्सिस पर जो कोण है वो उसका ढाल कहलाता है। इसी प्रकार उस बीम में डिफ्लेक्शन, जो उसकी डिफ्लेक्टेड शेप है उसका ओरिजिनल एक्सिस के साथ जितना विक्षेप आया है, जितना डिस्टेंस है दोनों के मध्य जो गैप है, उसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। डिफ्लेक्शन क्या है? किसी बिंदु पर डिफ्लेक्शन, उस बिंदु का ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसकी सेंटर ऑफ लाइन एक्सिस से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे बिंदु सी है कोई मध्य में, उसका हमने डिफ्लेक्शन अगर निकालना है तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। एक बीम के केस में उसके सपोर्ट्स पर स्लोप का मान मैक्सिमम होता है या अचर होता है, जबकि उसके सिरों पर डिफ्लेक्शन का मान शून्य है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है उसका मान शून्य है, लेकिन मध्य में या किसी बिंदु पर पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम है। स्लोप का मान यहाँ पर मैक्सिमम है ए और बी पर, लेकिन मध्य पॉइंट पर स्लोप का मान जीरो है। जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है वहाँ पर स्लोप जीरो है। इसी प्रकार एक कैंटिलीवर में सपोर्ट पर स्लोप का मान जीरो तथा डिफ्लेक्शन का मान भी जीरो है। यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन फ्री एंड पर या जिसको हम सी बिंदु बताया हुआ है, उस सी बिंदु पर स्लोप का मान मैक्सिमम है, डिफ्लेक्शन का मान भी मैक्सिमम है। वैसे तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के डेरिवेशन और सूत्र का सिलेबस में नहीं है, किंतु फिर भी ये सूत्र कहाँ से आए उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें। हमारे पास ये सूत्र है बेंडिंग स्ट्रेस का, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इससे एम का सूत्र जो बनता है वो है ई आई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका हम एक बार फिर से इंटीग्रल करें तो ई आई डी आई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से हमारे पास स्लोप की इक्वेशन मिलती है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन ई आई, ऐसा कहें कि आई इंटू ई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम। डिफ्लेक्शन वाई बराबर वाई इंटू ई आई बराबर सेकंड इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इस तरह से ये सूत्र हैं जिसका हम थर्ड ईयर में अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हैं इस सूत्र से कि एम इज इक्वल टू ई आई अपॉन आर। इस प्रकार हमने यहाँ पर बीम के केस में और कैंटिलीवर के केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन के मान, हमने उनकी एंड कंडीशन देखी कि स्लोप कितना है और उसके सूत्र क्या, एक जनरल आइडिया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के सूत्र क्या हैं, डायरेक्ट सूत्र। पहले हम कैंटिलीवर लेंगे। कैंटिलीवर में दो तरह की लोडिंग कंडीशन हो सकती है, पहला है पॉइंट लोड और दूसरा है यूडीएल। कैंटिलीवर के केस में पॉइंट लोड में सूत्र है डब्ल्यू एल अपॉन ई आई, इसके कोफिशिएंट हम इस तरह से याद करते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, और इसका डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई। कैंटिलीवर के केस में यदि यूडीएल है तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, डब्ल्यू एल फोर अपॉन एट ई आई, इसके डिफ्लेक्शन का सूत्र है। आप इसको याद करना चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि डब्ल्यू एल अपॉन ई आई यह एक सभी सूत्रों में कॉमन टर्म है। अब इनकी पावर और इनके डिनोमिनेटर में जो कोफिशेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड का स्लोप है टू उसकी पावर एल की, और डिफ्लेक्शन में पावर थ्री है। यूडीएल में अगेन थ्री है और डिफ्लेक्शन में फोर है। तो हम ऐसा याद करते हैं टू थ्री थ्री फोर, ये इसकी एल की पावर हो गई। इसी तरह से कोफिशेंट देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो वो हैं दो तीन छ आठ, इस तरह से सूत्र बने हुए हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई
डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI और डब्ल्यू एल 4 अपॉन 8 EI। ये कैंटिलीवर के दोनों लोडिंग के केस में स्लोप एवं डिफ्लेक्शन के मान हैं, और इसलिए हमने इसे स्क्रीन पे भी दे रखा है। आप इनको सिस्टमेटिक इस तरह से रख कर याद कर सकते। अब जिस तरह से हमने कैंटिलीवर के सूत्र देखे हैं, अभी हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सूत्र देख लेते हैं। डब्ल्यू एल अपॉन ई आई सभी में कॉमन टर्म है, तो इनकी पावर, और पहला केस है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, और दूसरा केस है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ऑल स्पान UDL। तो इनमें पावर उसी तरह से है, आप देख सकते हैं 2, 3, 3, 4, और इनके कोफिशिएंट है 16, 48, 24 और 384/5। क्योंकि सूत्रों का अध्ययन सीधे डायरेक्ट ही हमें इनको याद करने हैं, तो इसी तरह से याद किए जा सकते हैं। पावर 2, 3, 3, 4 और 16, 48 और 24, 5/384 इनके कोफिशिएंट है, और सूत्र क्या है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एग्जांपल जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में उसकी स्लोप के हम सूत्र की बात करें और UDL लग रहा है, तो WL क्यूब अपॉन 24 EI हो जाएगा। आप यहाँ पर इस सूत्र को देख सकें, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल के सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर कोई असेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है, कोई उत्केंद्रित भार लग रहा है, जिसकी दूरियाँ A तथा B है। जो ऊपर जो पहले केस देखा था हमने L/2 और L/2 था, इसमें उत्केंद्रित भार है, तो उनके लिए स्लोप A पर स्लोप और B पर स्लोप दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि नॉन सिमेट्रिकल लोडिंग है। तो स्लोप एट A इज WL ब्रैकेट L²-B² / 6 EIL हो जाएगा। इसी तरह से B पर जो स्लोप है वो W(A)L²-A²/6 EIL है। इन सूत्रों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें भी एक सिमिलरिटी है। जब हम A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर B है और अंदर ब्रैकेट के अंदर भी B है, और जब हम B पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर A और A है। इसी तरह से इनका डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मान पॉइंट लोड के नीचे YC है W(A²)B²/3 EIL के बराबर है। अब यहाँ पर एक दूसरी टर्म है वाई मैक्स, क्योंकि पॉइंट लोड के ठीक नीचे मैक्सिमम नहीं होगा, किसी अन्य बिंदु पर, थोड़ा आसपास एक बिंदु होता है उस पर होगा, तो वहाँ पर वाई मैक्स के लिए एक अन्य सूत्र दिया गया है। इस तरह से हमने सभी सूत्र को एक जगह पर समराइज किया है, इनमें आपस में संबंध एक देख कर इनको याद रखा जा सकता है। तो अभी हमारे सिलेबस के अनुसार दो तरह के बीम हैं, एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक कैंटिलीवर बीम है, और उसके साथ ही दो तरह की लोडिंग है, पॉइंट लोड, चाहे वो एक पॉइंट लोड हो या दो या तीन पॉइंट लोड लगे हुए हो, और दूसरा है UDL, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन, आधा UDL भी हो सकता है और UDL और पॉइंट लोड एक साथ लग रहे हो, ऐसा सवाल भी हो सकता है। हम एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक कैंटिलीवर दिया हुआ है, इस कैंटिलीवर पर दो पॉइंट लोड 20 का और 12 का 3 मीटर और 5 मीटर पर सपोर्ट से इतनी दूरी पर लगा हुआ है, तो हमें पूछा जा सकता है कि बिंदु सी पर स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करो। एक ही बात है, सी पर ही मैक्सिमम होगा स्लोप और डिफ्लेक्शन भी, कैंटिलीवर के केस में, बीम के केस में अलग होगा। हम एनालिसिस अगला सवाल ले रहे हैं। इसको हल करने की दृष्टि से हम इस कैंटिलीवर को दो भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला है एक पॉइंट लोड है 5 मीटर की दूरी पर लग रहा है, और दूसरा केस है जिसमें केवल दूसरा 20 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। तो हम इन दोनों से उत्पन्न अलग अलग ढाल को कैलकुलेट करेंगे और जोड़ देंगे। कैलकुलेट करना है बिंदु सी पर ही, और इसी तरह से हम विक्षेप भी फर्स्ट लोडिंग के कारण कैलकुलेट करेंगे और सेकंड लोडिंग के कारण कैलकुलेट करके जोड़ देंगे, तो कुल विक्षेप का मान आ जाएगा। स्लोप के लिए, स्लोप एट सी 12 पॉइंट लोड के कारण 12 × 5² / 2 EI प्लस 20 × 3² / 2 EI, दोनों के स्लोप जुड़ जाएंगे सिंपली। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 20 के कारण, 12 वाले पॉइंट लोड के कारण स्लोप सी पर का मान वही है, किंतु जो 12 वाला पॉइंट लोड है उसके कारण स्लोप बी पर निकलेगा सूत्र पर, और वही मान
सी पर भी होगा, अतः दोनों से प्राप्त ढालों को जोड़ देना है। विक्षेप में पहले पॉइंट लोड के कारण 12 × 5³/3 EI, यह सूत्र है पॉइंट लोड के कारण। पॉइंट लोड के नीचे ही उपस्थित बिंदु पर डिफ्लेक्शन निकालने का सूत्र है, लेकिन जो 20 वाला पॉइंट लोड है उसके नीचे डिफ्लेक्शन दो भागों में हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ बताया हुआ है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग 20 के कारण 3 मीटर की दूरी पर डिफ्लेक्शन का मान है, वो इस पद में दिया हुआ है, आप इसको देखें 20 × 3³/3 EI प्लस इसमें जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरा पार्ट वैल्यू है वो सी बराबर आर थीटा वाले सूत्र से हम निकालेंगे, जो हो जाएगा यहाँ पर स्लोप 20 × 3² / 2 EI × L' है 2 मीटर दूरी, ये आर की तरह कार्य कर रहा है। तो इस तरह से कुल डिफ्लेक्शन का मान हो जाएगा 860/EI, ये मान mm में आएगा। एक बात ये ध्यान रखनी है, कभी सूत्रों में सवालों में EI का मान दे रखा है तो वो मान रखेंगे तो mm में आएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो 860/EI इसी रूप में EI के रूप में ही हमें उत्तर लिखना है। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि सवालों में वैल्यू किलो न्यूटन और मीटर में दिया हुआ होता है, तो हमने जो सवाल में जो आपने अभी हल देखा है यहाँ पर, ये सभी वैल्यू किलोग्राम, किलो न्यूटन और मीटर में दी हुई है, लेकिन EI न्यूटन और mm में होगा, तो यूनिट्स का, इकाइयों का ध्यान रखें, उनको यथा संभव जैसे बदलना है उसको तो इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल हमने किया। इस सवाल को भी हमने दो भागों में विभक्त किया है, पहला है होल स्पान 5.5 मीटर तक के लिए UDL, दूसरा है सपोर्ट से 3 मीटर तक पर एक 18 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इसमें स्लोप का मान इन दोनों अलग अलग भारों के कारण C पर स्लोप के मान के बराबर होगा। UDL के कारण स्लोप 10 × 5.5³/6 EI, इसमें सूत्र लगा है WL³/6 EI, जो मैंने पिछला पेज बताया है उसको आप साथ में रखें, देखते जाएं, एक पेज पर लिख लें सारे सूत्र, प्लस पॉइंट लोड है उसके कारण से स्लोप का मान उसी बिंदु पर B पर WL, क्योंकि पॉइंट लोड है, WL²/2 EI 18 × 3² / 2 EI, लेकिन इसमें कोई आगे करेक्शन नहीं करना है क्योंकि जो ये बिंदु B पर निकला है स्लोप, वो ही स्लोप C पर भी होगा। 18 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड के कारण C पर स्लोप का मान वही रहेगा, अर्थात 358.29/EI, ये इसके स्लोप की कुल वैल्यू प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, पहला UDL के कारण हम डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, वो है UDL 10 है, तो WL²/8 EI वाला सूत्र लगाया हमने, और दूसरे पद में ये UDL लिखा हुआ भी है, UDL के कारण डिफ्लेक्शन, और ये पॉइंट लोड के कारण डिफ्लेक्शन है जो कि WL³/3 EI है, W18 है, तो 18L³³/3 EI प्लस ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये हमने C बराबर R थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, पिछले सवाल में भी लगाया था, और L' की वैल्यू है 2.5, तो वो हो गया स्लोप का मान WL²/2 EI से इंटू L' का मान, जो कि यहाँ पर 2.5 लिखा हुआ है। इस तरह से इन सभी पद को जोड़ने पर डिफ्लेक्शन का मान YC 1508.32/EI हमें प्राप्त हुआ, जो कि mm में होगा। इसी तरह से हम कुछ और इस सवाल का एक बार और इसका अध्ययन कर लें, आपको इसमें कोई परेशानी हो आप कमेंट में लिखें, चाहे हमें संपर्क करें। अभी इसमें और भी हम न्यूमेरिकल, हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल लेंगे, थोड़े महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न और सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड प्रश्न का हम यहाँ वहाँ पर हल प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से कुछ और प्रश्न हो सकते हैं कि कोई भी कैंटिलीवर है, उसमें कॉम्बिनेशन है UDL का और पॉइंट लोड का, और UDL भी आधा लगा हुआ है, या फिर UDL उसमें डिसकंटिन्यू है और कोई कॉम्बिनेशन भी है, सपोर्ट तक नहीं पहुंच रहा है UDL, और केस हो सकता है
कि कोई असेंट्रिक पॉइंट लोड बीम में लग रहा है, ये इस तरह की सवाल कर लें तो इन्हीं कॉम्बिनेशन में से सवाल अधिकतर पूछे जा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। का सेकंड पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, और भी वीडियो आने वाले हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा से, सिविल विभाग से, धन्यवाद। जय हिंद।